सो गाइज, इंडियन आइडल के फाइनल राउंड के लिए अब बस 2 वीक से भी कम का समय बाकी है और ऐसे में अभी भी एक सिंगर एलिमिनेट होने का बाकी है और ऐसे में अब आखिरी वाला जो एलिमिनेशन बचा है वो इसी हफ्ते होने वाला है। इस बार शो के एलिमिनेशन बहुत ही ज्यादा शॉकिंग होने वाले हैं। सो ऐसे में अब बिडिप्ता चक्रवर्ती, चिराग कोतवाल और देबोश्मिता रॉय में से कौन बाहर होने वाला है, जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना और इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को भी लाइक कर देना। सो देखो, पॉपुलैरिटी रैंकिंग और वोटिंग रिजल्ट दोनों में से देबोश्मिता रॉय जो है टॉप 3 में से बाहर हो चुकी है, यानी कि उनका स्थान 4th नंबर पे आ चुका है। वैसे तो देबोश्मिता रॉय का एलिमिनेट होने का चांसेस बहुत ही कम है क्योंकि उनका हर एपिसोड में परफॉर्मेंस टॉप क्लास रहता है और वोटिंग रिजल्ट्स के अनुसार देखे तो उन्हें ऑडियंस से बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है, तो उनका एलिमिनेट होने का चांसेस बहुत ही कम है। लेकिन अब बात करते हैं इंडियन आइडल में इस वीक में टॉप 3 पोजीशन पे कौन आया हुआ है। सो देखो, वोटिंग रिजल्ट के अनुसार बात करें तो टॉप 3 पोजीशन पे ऋषि सिंह, संज्योति दास और बिडिप्ता चक्रवर्ती। मगर अब पॉपुलैरिटी रैंकिंग के अनुसार बात करें तो टॉप 3 पोजीशन पे ऋषि सिंह, चिराग कोतवाल और बिडिप्ता चक्रवर्ती। मगर अब दोनों ही जगह की बात करें तो ऋषि सिंह और बिडिप्ता चक्रवर्ती ने अपनी जगह टॉप 3 में मेंटेन रखी है। और अब बात करें चिराग कोतवाल की, तो चिराग कोतवाल को सबसे ज्यादा 5 बार बॉटम पे रखा है शो के जजेस ने, तो उनके एलिमिनेशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। वैसे चिराग कोतवाल के एलिमिनेशन के बारे में आपका क्या ख्याल है मुझे कमेंट में जरूर बताना। अब बात करें बिडिप्ता चक्रवर्ती की, तो बिडिप्ता चक्रवर्ती को भी शो के मेकर्स ने 2 बार बॉटम में रखा है, तो क्या इस वीक बिडिप्ता चक्रवर्ती को शो के जजेस एलिमिनेट करेंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होने वाली है। सो देखो, मेरे फाइनल प्रिडिक्शन के अनुसार शिवम सिंह या फिर संज्योति दास, इन दोनों में से कोई तो एक सिंगर एलिमिनेट हो सकता है। बाकी आपको क्या लगता है कौन होगा इस साल शो का विनर, आप नीचे कमेंट में जरूर बताना और मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। जय हिंद।